छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में पेड़ों को राखियां बांधकर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया गया। वृक्षों को राखी बांधने से पहले उनकी विधिवत पूजा भी की गई। राखी के त्योहार को पर्यावरण की रक्षा के तौर पर मनाने का अनोखा तरीका कोंडा गांव में वन विभाग ने अपनाया। कोंडा गांव वन मंडल के अधिकारी कर्मचारियों के घरों की महिलाओं ने विधिवत पूजा अर्चना कर पेड़ों को राखियां बांधी और पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लिया। समाज को पर्यावरण और वृक्षों की रक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए जंगल में मनाए गए इस रक्षाबंधन से समाज में एक सकारात्मक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। आप जानते हैं आज रक्षाबंधन है, आज के दिन भाई है बहनों की राखी बंधवा कर जो है उसकी सुरक्षा की वो जो है शपथ लेता है। तो उसी कार्यक्रम में आज हम लोग जो है वनों की सुरक्षा के लिए पेड़ों को बचाने के लिए आम जनता को सुरक्षा के जन जागरण से जोड़ने के लिए पेड़ों को राखी बांधने का कार्यक्रम करते हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं इतना बड़ा विशाल जो राखी हमने बांधा है, ये 2005 से यहाँ चालू हुआ था, 16वां वर्ष है इसका। और इसको हमने आज और भी बड़ा रूप देते हुए पूरे परिक्षेत्रों में जहाँ अभी पिछले हम एक हफ्ता से गडलिंग के खिलाफ माहौल बनाए हुए हैं, तो सभी गाँव वालों से हम अपील किए हैं कि गडलिंग के खिलाफ वो आज पेड़ों की सुरक्षा के लिए और जंगल में जाके आज पेड़ों को राखी बांध रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।